इफ्तखार, मेरा नाम है, सियास मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक है, मैं सीईओ सियास मार्केटिंग हूँ। सबसे पहले मैं आपको सियास मार्केटिंग के बारे में बताता चलूँ कि हम 12 साल से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमने इस्लामाबाद से अपना स्टार्ट लिया था। हम इस्लामाबाद के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में हम काम कर चुके हैं, जिस तरह के बहरिया टाउन में हमने काफ़ी काम किया है और कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी, ब्लू वेल सिटी, हमने इनका काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया हुआ है। इसके अलावा कराची में भी वेल नोन प्रोजेक्ट के साथ हम काम करते रहे हैं। और तो हम जिस तरह से रियल स्टेट इंडस्ट्री, आपको पता है कि अब एक बैकबोन की सूरत इख्तियार करती जा रही है किसी भी मुल्क की मईशत में। आप आलमी सतह पर भी देखेंगे कि जितनी भी दुनिया में बड़ी माशियात हैं उनमें आप देखेंगे कि रियल स्टेट इंडस्ट्री अब उसको काफ़ी बूम मिल रहा है और काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। और जिस तरह से आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो पिछले दिनों का इस्लाहात की हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री के कवानीन में, उससे मार्केट को काफ़ी बूस्ट मिला, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बलूचिस्तान की तरफ आए हैं कि जिस तरह से बूस्ट पंजाब या सिंध के रियल स्टेट इंडस्ट्री में है, वही बूस्ट यहाँ भी रियल स्टेट इंडस्ट्री में हो और जो तब्दीली, जो अच्छी तब्दीलियाँ वहाँ की रियल स्टेट इंडस्ट्री में आ रही हैं वही यहाँ भी मैसर हों। और इसी को लेते हुए हम चल रहे हैं कि बलूचिस्तान में हम महसूस करते रहे कि यहाँ पे एक अच्छी मार्केटिंग फर्म ना होने की वजह से या एक बड़ी मार्केटिंग फर्म ना होने की वजह से काफ़ी मसाइल थे रियल स्टेट इंडस्ट्री में। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने, आप देख रहे हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और क्वेटा को के अच्छे प्रोजेक्ट्स को हम एक छत तले लेकर आए हैं, जिसमें ताकि लोगों को आसानी से अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात मिल सके और वो उस पर अपनी तसल्ली कर सकें और अपनी जमा पूंजी को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें। और यही हमारा मोटो है, यही हमारा मकसद है, इसको लेके हम चल रहे हैं। देखें माशाल्लाह, आप कहीं भी आप जाकर देखेंगे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह रियल स्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा चेंज आ रहा है। अब पुराने जितने आप टैक्टिक्स कह लें या तरीके कह लें, उनसे अब रियल स्टेट इंडस्ट्री आगे जा रही है और आगे से ही आगे की तरफ जाती जा रही है। तो इंशाल्लाह हम तो फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहे हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री का पाकिस्तान में, और इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम चल रहे हैं। बलूचिस्तान की तरफ भी इसी कॉन्सेप्ट आए हैं और इंशाल्लाह इसी को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ है, RBS रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन से मेरा ताल्लुक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्लैटिनम सेल्स पार्टनर है। हम यहाँ पर क्वेटा में आप लोगों के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके आए, जो हबीब रफ़ीक प्राइड लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। तो हम सियास मार्केटिंग के तवासुत से आप लोगों के लिए लीगल प्रोजेक्ट NOC क्लियर है, ऑन ग्राउंड सारी ज़मीन अवेलेबल है, मोर देन 700 मशीनरी काम कर रही है। अगर कोई भाई यहाँ हमारा क्वेटा से हमारे पास आ जाए तो हम उनको ऑन ग्राउंड सारी सिचुएशन दिखा सकते हैं कि हमने कितनी डेवलपमेंट की है, कितना काम किया हुआ है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटी है, पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी है, दुनिया की 21वीं स्मार्ट सिटी है, जिसको हबीब रफ़ीक डेवलप कर रहा है और इसको ओन कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 55,000 कनाल का है, इसको जो डिज़ाइन कर रहा है सिंगापुरियन कंपनी है सुरबाना जोरंग, वो इसको डिज़ाइन कर रही है। और इसका मयार जो है Grade 8 की डेवलपमेंट है, जो आज तक पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी की नहीं हुई है। हमारे पास जो रेजिडेंशियल प्लॉट है 3.5 मरला से लेके 2 कनाल तक है, कमर्शियल में 2.66 मरला से लेके 8 मरला तक हमारे पास कमर्शियल प्लॉट भी है। इसके अलावा 4 मरला और 8 मरला के फार्म हाउसेज भी है। हमारे पास मिनिमम कीमत जो है वो तकरीबन 15 लाख से शुरू होके तकरीबन 1.5 करोड़ तक है। सर, मैं समीउल्लाह मेरा नाम है, कैपिटल इंटरप्राइजेस मेरा अपना कंपनी है क्वेटा में। सर, ये तो हमारे लिए सबके लिए खुश आइंद है, और मतलब ऐसे वबा के टाइम पे, इसी टाइम पे हम लोगों को ये लोग एक्सपो दे रहे हैं, हम लोगों का शुक्र गुजार है कि कोरोना की वजह से हम लोगों के मार्केटें काफ़ी मतलब डाउन हो गए थे, तो अभी माशाल्लाह मार्केटें वापस स्टार्ट हो गए, इसमें परचेजिंग भी हो रहा है। तो लाजिमाना इस तरह के एक्सपो जब हो जाएंगे तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे वो वापस आ जाएंगे और वो इन्वेस्ट करने की ये जो है ना कोशिश कर लेंगे, तो इससे हमारे लिए बल्कि तमाम जितने भी हजरात आए हुए प्रॉपर्टी डीलर्स है, इन्वेस्टर्स है, उन सबको ये जो है ना उनका हौसला अफजाई हो रहा है कि भाई मार्केट वापस से फिर से उठना शुरू हो गया है। मेरा नाम हफ्सा आज़म है, मैं यहाँ पे एक्सपो में जो है ना एज अ पार्टिसिपेंट आई हूँ। अगर हमारा एक्सपो ये कामयाब होता है तो इसका बिज़नेस डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ सकता है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे क्वेटा को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और जो है ना इस तरह के अगर हमारे प्रोजेक्ट्स 2-3 हमारे क्वेटा में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड सेकेंडली जो है ना एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह जो है ना आगे भी अच्छा होगा।